हाँ अंकल, यहाँ सुबह से सब घुसा हुआ है तो लॉज है तो बड़ी दिक्कत हो रहा है, सुबह से परेशान हो रहा है हम लोग। ये अमित जी हैं और हमारे भतीजा हैं और इस एरिया का पॉपुलर इंसान, सामाजिक कार्यकर्ता फ्रॉम अमित गोप जी, हमारे शुभचिंतक हैं। तो कहाँ देखा गया है? आइए ना, आपको दिखाते हैं। चलिए देख लाइए। सुबह से हम लोग कुछ कर नहीं पाए रूम में। कहाँ पर है? यहाँ पर अंदर है, अंदर। अच्छा दोस्तों, अरे इधर लाइए, इधर लाइए, कैमरा को लेके आइए भाई, कैमरा को दिखलाइए। भाग नहीं रहा एकदम। इसको इसको इधर कीजिए। अच्छा ठीक है। डरिए मत। ये फॉरेस्टन कैट स्नैक है। अच्छा, पहले देखा? हाँ। हम रुकिए, ऐसा स्नैक पहले कभी हम लोग देखा नहीं है। ये तो डरिए मत। आइए इधर आ जाइए, डरिए मत, जाइए, आप कैमरा लेके बाहर जाइए। अमित जी आइए हमारे साथ। दोस्तों आप लाइव देख रहे हैं फॉरेस्टन कैट स्नैक। आइए इधर आ जाइए, घबराइए नहीं, हमको उस साइड जाने दीजिए। इधर अमित जी आइए। हाँ यहाँ सब उंजौला होगा, आप बगल आइए अमित जी। अच्छा, ये सांप का मिडली वेनेमस, सेमी वेनेमस, हल्का विषाक्त। अच्छा दोस्तों, ये जो सांप है ना, ये हल्का सेमी वेनेमस है, बट नॉट डेंजरस ह्यूमन, इंसानी शरीर में जहर का असर नहीं करता है। अच्छा। और ये फॉरेस्टन कैट स्नैक है, ये अंडा देता है और इसका प्राकृतिक इतिहास है क्या है, ये हमेशा लेट नाइट ही मूवमेंट करेगा। ये रात का अंधेरे में निकलता है, ये रूम में डार्क था इसीलिए ये घुस गया। अच्छा। और ये वाइपर का हम शकल है। अच्छा, क्या है, मिमिक्री करता है। पहले देखा नहीं था। हाँ, बहुत रियर स्पेसिस है, बहुत रियर स्पेसिस। और दोस्तों हम लाइफ में, अमित जी ध्यान दीजिएगा, लाइफ में हमने इतना बड़ा क्या है फॉरेस्टन कैट स्नैक रेस्क्यू नहीं किया था। क्या नहीं किया था? रेस्क्यू नहीं किया था। अच्छा, तो दोस्तों आप लाइव देख रहे हैं फॉरेस्टन कैट स्नैक, ये स्प्रिंग की तरह मार करता है और ऐसे पुरलिया भाषा में इसे पताड़ चीती भी कहते हैं। कौन चीती कहते हैं? पताड़ चीती। और हिंदी में बंको राज और इंग्लिश में फॉरेस्टन कैट स्नैक। बहुत बिग साइज है, फुल एडल्ट है और ये सेमी वेनेमस है। कौन वेनेमस है? सेमी में हल्का जहरीला है, लेकिन इसके काटने से इंसानी शरीर में जहर का असर नहीं करता है। और धीरे धीरे देखिएगा आपको, और हम एक चीज बताना चाहेंगे। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा सांप है ये, पकड़िए अमित जी। कैमरा को सामने लाइए, इसको पकड़िए। दोस्तों बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए, अच्छा, बिना ट्रेनिंग लिए सांपों का हैंडलिंग ना करें, और नहीं तो ये जानलेवा होगा। कौन लेवा होगा? जानलेवा होगा। जान तो चल जाएगा। आपनी जाने नहीं कि विषाक्तो या निर्विष, और यदि अपना के कामोड़ दिए दे, ये अनजाने में अगर आपको काट लिया तो 10 आदमी मिलके एक आदमी को डरा देता है। डर से क्या होता है? ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो जाता है। तो अमित जी आपको हम सैल्यूट करना चाहते हैं कि आप तो, हम तो जीव जंतु प्रेमी आदमी हैं, लेकिन हमारे साथ साथ आप भी जंतु प्रेमी आदमी हैं। तो ये अमित जी का कार्य को हम बहुत ही लाइक करते हैं, क्योंकि इस एरिया में सांप मारना बंद है। इसे हम कोशिश करेंगे कुछ और अवेयरनेस के तौर पर लोगों को जागरूक करके फिर एक ऐसा जगह छोड़ देंगे जहां ये प्राकृतिक परिवेश में हमेशा के लिए चल जाएगा।